क्वेश्चन सिक्स ऑफ एक्सरसाइज 8.1 ऑफ क्लास 10 एनसीईआरटी क्या है? अगर एंगल ए और बी कोई दो एंगल हैं और दोनों ही एक्यूट एंगल्स हैं, ठीक है, और कंडीशन क्या गिवन है, सच दैट कि एंगल ए पर कोस की वैल्यू और एंगल बी पर कोस की वैल्यू अगर इक्वल आती हैं, कब? जब वो दोनों एंगल्स एक्यूट हो, एक्यूट मीन्स 0 से 90 के बीच में, फर्स्ट क्वाड्रेंट में आने वाले एंगल्स। तो उस कंडीशन में हमें क्या शो करना है, हमें ये शो करना है कि वे दोनों एंगल इक्वल ही मिलेंगे। ओके, तो इन दोनों को हमें इक्वल प्रूव करना है। इस पूरे क्वेश्चन में हम काम वही करेंगे, किसी तरह से एक थर्ड साइड को फाइंड आउट करेंगे, लेकिन यहां पर हम सिक्स चैप्टर ट्राइंगल की हेल्प लेंगे, जो कि हमें यह बताता है कि अगर दो ट्राइंगल सिमिलर हैं तो उनके कोरोस्पोंडिंग एंगल्स भी आपस में कैसे होंगे, इक्वल होंगे, और हमें उन एंगल्स को ही इक्वल दिखाना है ना। लेकिन मैंने अभी क्या बोला कि अगर दो ट्राइंगल्स है ना, कि दो ट्राइंगल्स अगर सिमिलर हुए तो, जबकि यहां पर ऐसा कुछ मेंशन ही नहीं है कि हमें एक ट्राइंगल पर काम करना है या दो पर, तो क्योंकि हम उसकी हेल्प लेने वाले हैं सिमिलरिटी की, तो क्यों ना यहां पर दो ट्राइंगल ले लिए जाए। देखिए हम दो ट्राइंगल कैसे लेकर चलते हैं, मान लीजिए हम दो ट्राइंगल लेकर चल रहे हैं, इनमें से एक के साथ एक एंगल को ए बोल देते हैं और दूसरे एक ट्राइंगल के किसी एक एंगल को बी बोल देते हैं, जिन पर हमें काम करना है, ठीक है। टारगेट क्या है हमारा, इन दोनों ट्राइंगल्स को सिमिलर दिखाना। सिमिलर दिखाने से ऑटोमेटिकली ये दोनों एंगल्स क्या हो जाएंगे, इक्वल। सो अदर नेम हम कोई भी प्रोवाइड करवा देते हैं, जैसे ए बी सी डी ई एंड एफ ऐसे बोल देते हैं, और एफ और डी पर ये दोनों क्या है, परपेंडिकुलर है। ओके, सो गिवन जो है उस चीज को लेकर चलते हैं। देखिए हमें क्या गिवन है, हमें गिवन है कोस ए इज इक्वल टू कोस बी। ओके, सो ए इट मींस ये हमारे लिए बेस, परपेंडिकुलर और हाइपोटेनस, और बी एंगल के लिए ये बेस से परपेंडिकुलर और ये हाइपोटेनस होगा, ठीक है। सो इनके रिक्वायर्ड रेशियोज हम यहां लिखते हैं, कोस बी किसके इक्वल होगा, बेस अपॉन हाइपोटेनस के इक्वल। तो यहां बेस कौन हुआ, एडी अपॉन हाइपोटेनस, हाइपोटेनस है एसी। कोस बी इसमें बेस बी एफ एंड हाइपोटेनस बी ई, सॉरी। अब हम क्या करने वाले हैं, अब हम यहां पर बी एफ एंड ए सी इन दोनों को इंटरचेंज करेंगे, तो ये क्या बन जाएगा हमारे पास, ए डी अपॉन बी एफ एंड ए सी अपॉन बी ई। ये किस लिए किया, ताकि हम इन दोनों ट्राइंगल्स के बीच रिलेशन शो कर सकें। अभी देखिए ए डी इस ट्राइंगल का क्या है, बेस। बी एफ दूसरे ट्राइंगल का क्या है, वो भी बेस, यानी कि हम बेस को दूसरे बेस के साथ रिलेट कर रहे हैं। इन द सेम वे यहां पर जो ए सी है वो हाइपोटेन्यूस है और बी ई जो है दूसरे ट्राइंगल में हाइपोटेन्यूस है। तो इससे ये हुआ कि दोनों ही ट्राइंगल के बेसिस और हाइपोटेन्यूस के बीच में हमारे पास जो रेशियो बन रहा है वो दोनों रेशियोज इक्वल नजर आ रहे हैं। अब हम क्या करेंगे, इन दोनों रेशियोज को किसी के क्वांटिटी के इक्वल लेट कर लेते हैं, ठीक है। इसको हम इक्वेशन वन बोल देते हैं। अब जैसे ही हम यहां से देखिए एक बार AD अपॉन BF लेकर चलते हैं, किसके इक्वल, वही K के इक्वल। तो यहां से AD की क्या वैल्यू एग्जिस्ट करेगी, AD हमारे पास किसके इक्वल आ रहा है, K टाइम ऑफ BF, हमने इसको शिफ्ट किया। इन द सेम वे अब हम यहां पर AC अपॉन BE इसको लेकर चलते हैं, K के इक्वल। तो यहां से AC की वैल्यू क्या आएगी, K टाइम ऑफ BE, इसकी वैल्यू को भी हम निकाल चुके हैं। अब ये देखिए कि इस पोर्शन में हम कौन कौन से साइड्स को यूज कर चुके हैं, AD यूज कर चुके हैं, हाइपोटेन्यूस फिर से वही बेस और हाइपोटेन्यूस यूज कर चुके हैं। हम अब किसी तरह से इन दोनों के परपेंडिकुलर्स के बीच में भी रेशियो को फाइंड आउट करना चाहते हैं, लेकिन परपेंडिकुलर निकालने के लिए हमें सबसे पहले है दोनों ट्राइंगल्स में पाइथागोरस की हेल्प लेनी होगी। तो अगर हम यहां पर पाइथागोरस की हेल्प लेते हैं, यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम, तो यहां से देखिए जो परपेंडिकुलर है सीडी
वो किसके इक्वल आएगा, परपेंडिकुलर हमारे पास किसके इक्वल आ जाएगा, हाइपोटेनस स्क्वेयर माइनस बेस स्क्वेयर एंड द होल स्क्वेयर रूट. एंड इन द सेम वे दूसरे ट्राइंगल में जो परपेंडिकुलर ई एफ है वो किसके इक्वल आएगी, वो भी वही हाइपोटेनस बी ई स्क्वेयर माइनस बेस बी एफ स्क्वेयर एंड द होल स्क्वेयर रूट. लेकिन अब हम चाहते क्या हैं, इन दोनों के बीच का रेशियो, ताकि हमारे पास परपेंडिकुलर्स का रेशियो भी आ जाए. देखिए अब तक क्या किया था, बेस का रेशियो और हाइपोटेनस का रेशियो तो हम निकाल चुके हैं, अब किसी तरह से हम परपेंडिकुलर्स का रेशियो भी निकालना चाहते हैं. तो इसी वजह से हमने यहां पर एक परपेंडिकुलर फाइंड आउट किया सबसे पहले. तो अब क्योंकि हमें रेशियो निकालना है तो इनकी वैल्यूज को एज ए रेशियो फॉर्म में लेकर चलते हैं. तो सी डी अपॉन ई एफ. लेकिन यहां थोड़ा ध्यान रखना कि न्यूमरेटर में आप वही ट्राइंगल की साइड रखें जो यहां न्यूमरेटर में है. यहां न्यूमरेटर में है लेफ्ट ट्राइंगल की साइड है दोनों ही, और डिनोमिनेटर में राइट ट्राइंगल की साइड. तो वही पैटर्न हमने यहां यूज किया. अब इनकी वैल्यूज को यहां सब्स्टिट्यूट करते हैं. तो देखिए क्या आ जाएंगी, ए सी स्क्वेयर माइनस ए डी स्क्वेयर एंड द लोअर पोर्सन रूट ऑफ बी ई स्क्वेयर माइनस बी एफ स्क्वेयर. ओके अब हम यहां हेल्प लेते हैं. देखिए एडी, एडी किसके इक्वल है, के टाइम ऑफ बी एफ एंड ए सी के टाइम ऑफ बी ई. उन दोनों की वैल्यूज को यहां सब्स्टिट्यूट करते हैं. देखिए क्या डिफरेंस होगा, रूट हमारे पास कंटिन्यू है. ए सी, ए सी की जगह हम ये वैल्यू रखते हैं के टाइम ऑफ बी ई स्क्वेयर. लेकिन ये देखिए जो ए सी का स्क्वेयर है तो इट मीन्स ये दोनों का ही स्क्वेयर होगा, तो दोनों का स्क्वेयर किया फिर माइनस माइनस. अब एडी, एडी के रिप्लेसमेंट में वो वैल्यू रखें, सो के मल्टीप्लाई बी एफ का होल स्क्वेयर, क्योंकि यहां पर भी स्क्वेयर है तो ये इन दोनों का स्क्वेयर. डिनोमिनेटर पोर्शन हम सेम रखते हैं जो कि क्या आ गया बी ई स्क्वेयर माइनस बी एफ स्क्वेयर. अब देखिए कि न्यूमरेटर से दोनों ही टर्म के साथ के स्क्वेयर है, कॉमन आ सकता है, और वो कॉमन जब रूट से बाहर लेंगे तो वो जस्ट के बचेगा, है ना. तो रूट के अंदर हमारे पास क्या बच रहा है, रूट के अंदर बच रहा है बी ई स्क्वेयर माइनस बी एफ स्क्वेयर, और डिनोमिनेटर में क्या है फिर से वही बी ई स्क्वेयर माइनस बी एफ स्क्वेयर. तो आप नोटिस कीजिए कि न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों ही कंप्लीटली सेम है, के को छोड़ के, तो कैंसिल, नेम इट टू. तो अभी देखिए फ्रॉम वन दो रेशियोज किसके इक्वल थे, के. फ्रॉम टू जो सी डी अपॉन ई एफ का जो रेशियो आ रहा है, सी डी अपॉन ई एफ, वो रेशियो भी किसके इक्वल आ रहा है, के इक्वल. सो हम ये लिख सकते हैं फ्रॉम वन एंड टू ए डी अपॉन बी एफ बेस का रेशियो, ए सी अपॉन बी ई हाइपोटेनस का रेशियो, एंड सी डी अपॉन ई एफ परपेंडिकुलर का रेशियो. दोनों ट्रायंगल के तीनों साइड्स का रेशियो आपस में कैसा है, इक्वल. इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब ये हुआ कि ये दोनों ट्रायंगल, ये पोर्शन रफ कर रहे हैं, इसका मतलब ये है कि ये दोनों ही ट्रायंगल्स क्या हैं, आपस में सिमिलर हैं. लेकिन किस क्राइटेरिया की वजह से, यहां तक ही कर रहे हैं. सो देयरफॉर बाय ट्रिपल एस क्राइटेरिया ट्राइंगल सी डी ए एंड ट्राइंगल ई एफ बी दोनों ही क्या हो जाएंगे, सिमिलर, है ना. अब सिमिलर है, दिस इंप्लाइज कि एंगल ए एंड एंगल बी विल बी इक्वल. यहां क्या लग जाएगा, बाय सी पी एस टी कोरोस्पोंडिंग पार्ट ऑफ सिमिलर ट्राइंगल, कि दो सिमिलर ट्राइंगल्स हैं तो उनके कोरोस्पोंडिंग पार्ट्स कैसे होते हैं, इक्वल या सेम रेशियो में. सेम रेशियो में कौन होगा, साइड्स जो कि यहां दिखाकर आए हैं. इक्वल कौन होगा, एंगल्स इक्वल होंगे. ओके तो देखिए हमें यही प्रूव करना था कि कोस ए कोस बी अगर गिवन है तो प्रूव कीजिए कि ए और बी एंगल भी आपस में कैसे होंगे,
इक्वल। तो हमने सिंपली क्या किया, बेसिस का रेशियो और हाइपोटेन्यूस का रेशियो हमने कोस ए और कोस बी से ही निकाला। फिर थर्ड साइड वही पाइथागोरस की हेल्प से फाइंड आउट की और फिर उनका भी रेशियो निकाला। तो ओवरऑल ये तीन स्टेप बेसिकली ऐसे बोल सकते हैं, पहले रेशियो कन्वर्ट करना, फिर पाइथागोरस एंड देन द लास्ट रेशियो।